नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील में आज पूर्व IRS अधिकारी व बहुजन सम्यक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित जी द्वारा जनसंपर्क किया गया, जिसमें समाज में फैली बुराइयों के प्रति आवाज बुलंद करने तथा शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जनसंपर्क किया। जनपद अमरोहा के कोतवाली हसनपुर में बहुजन सम्यक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित ने कार्यकर्ताओं के बीच आकर संगठन को मजबूत करने और समाज में हो रही बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा संगठन को मजबूत कर एक नया सवेरा निकालने के बारे में प्रीता हरित जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब का जो नारा था उसको हम आज जाकर साकार करने के लिए एक संगठन के माध्यम से जनता के लिए बीच पहुंचे। शाहपुर कला में बहुजन सम्यक संगठन के, बहुजन समाज के, दलित मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं जो पहले से ही समाज में जुड़े हुए हैं, हमसे भी जुड़े हुए हैं और ये संपर्क में पहले से भी है। और अब बात यह है कि सारा समाज ये चाहता है कि हम इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं और समाज को नई ताकत दें। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पहुँची हूँ, समाज को जोड़ने और उसको ताकत देने। आज हम यहाँ पर सामाजिक मंच पर जुड़े हैं, कोई राजनीतिक काम नहीं हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज को उसकी ताकत का एहसास कराएं कि देखो समाज की ये ताकत है, और उस ताकत के होने के बावजूद भी समाज जो है आज हाशिए पर पड़ा है। ये दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर है, ये गांव कोई बहुत दूर नहीं है। 125 किलोमीटर में अगर गाड़ी स्पीड से चलती है तो 1.5 से 2 घंटे में आया जा सकता है, बावजूद उसके मुझे यहाँ पहुँचने में 4 घंटे या 4.5 घंटे लग गए। और गलियों की और नालियों की हालत इतनी ख़राब है, शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है और रोज़गार भी नहीं है। तो लगता है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वही तरक्की करते हैं। दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR में कवर होता है ये, उसके बाद वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी है ना। तो वो सिस्टम की कमी को सुधारने के लिए हर कोई चाहता है, ये सब लोग सिस्टम की कमी को सुधारना चाहते हैं और अपनी समझ के जैसा उनकी बन पड़ती है वैसे पार्टियों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पार्टियां शायद इन लोगों को सही तरीके से वो सम्मान नहीं दे पाती या इनका कोई भला नहीं कर पाती, जिसके कारण आज हमारे समाज की स्थिति बनी हुई है जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। तो हमारा ये अब मानना है कि हर व्यक्ति के दिल में जो दर्द छुपा है उस दर्द को समझें और उनके अंदर जो ताकत है संगठन को बढ़ाने की, आपसे संगठन को मजबूत करने की, उस ताकत को हम जोड़ें, इकट्ठा करें और कल फिर नए सिरे से एक आज ही नए सिरे से एक नई हम शक्ति को हम तैयार करना चाहते हैं, नया संगठन हम तैयार करना चाहते हैं। उसी के लिए हम, मैं यहाँ आई हूँ, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग सामाजिक तौर पर समाज को जोड़ रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से काविंदर सिंह की रिपोर्ट।